का व्यू देखिए, मिलते हैं कार में। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आपके राइट साइड में नीचे है सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे है इंस्टाग्राम आईडी, फॉलो कर लीजिए। चलिए इस खूबसूरत सी जर्नी को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द चैनल। ये बिल्कुल रैंडम है, कोई प्लान नहीं था, यहाँ पे पहुंचे हुए हैं एंड दिस इज फर्स्ट टाइम। इतना अच्छा सा व्यू दिख रहा है पीछे में, एक डैम है पीछे में, छोटा सा ड्रिजलिंग, मतलब हल्का ड्रिजलिंग हो रहा है, यहाँ पे बारिश हो रहा है, वेदर काफी खूबसूरत है। डे है आज फ्राइडे, तो मैंने एक लिया है प्लान लीव। तो आइए इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और आपको एक अनसीन प्लेस ऑफ राजगीर दिखाते हैं। तो लास्ट टाइम वाले वीडियो में दशरथ थे, आज हमारे साथ है नाम जितेंद्र है। तो आज जितेंद्र हमको दिखाएगा कि राजगीर में कौन सा ऐसा जगह है जो हम लोग देखे ही नहीं है, है ना। तो एक जगह जा रहे हैं वहाँ पे। तो जितेंद्र, इस जगह को क्या बोलता है, नाम क्या है इस जगह पे? गिरियक है, विष्णु कोठरी मंदिर है, उसी वहीं पे हम लोग ना। अच्छा, तो अभी हम लोग एक डैम है नियर में, वहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद एक हिडन प्लेस है, मठ है, काफी फेमस है, वहाँ चलेंगे। स्टे ट्यून्ड। डैम के पीछे चले आए हैं बैक साइड में, काफी सुंदर सा नजारा है। मौसम तो इतना मस्त है ना, लग रहा है इसकी ब्लॉग वाला ही दिन है। तो पहली बार अभी तक इस व्यू को किसी ने YouTube के वर्ल्ड में नहीं डाला है। तो एक और हिडन जगह दिखाने जा रहे हैं बिहार का, जो राजगीर है। तो जब यहाँ लोकल लोग जो होते हैं उनसे बात किए तो वो बताएं कि ये जो एरिया है, बेसिकली दिस इज लोकेटेड इन अ घोरा कटोरा एरिया, काफ़ी फेमस है राजगीर का है। बट आने के लिए रूट मैं लास्ट में आपको डिटेल में देता हूँ कि ये रूट कैसे यहाँ पे पहुँचना है। बेसिकली मेरे पीछे एक माउंटेन पे है एक टेम्पल, अनडिस्कवर्ड है, अनसीन है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, जो चीज़ दिखाने वाले हैं। स्टे ट्यून, पोस्ट करते हैं आगे, अपडेट करते हैं आगे जाके। ऐसा अनडिस्कवर्ड जगह जहाँ बाबा जी अभी बता रहे थे कि इस पे सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है। नहीं दे रही है सरकार, नहीं ध्यान दे रही है। एक तरह से बुजुर्ग लोगों का आश्रम है, इतना बड़ा मंदिर है। अभी क्या डिटेल है इसके बारे में बाबा जी बताएंगे। तो सबसे पहले जगह का नाम बताइए क्या। ये जगह का नाम हो गया विष्णु कोठरी और घोड़ा कटोरा जी। और यहाँ अगर किसी को आना है हाँ, तो रास्ता कैसे लेके आएगा? रास्ता देखिए, वहाँ से आप चले जाइए, जो रोड पक्की है राजगीर वाला मेन रोड, राजगीर मेन रोड, मेन रोड जी, उससे आप इधर से पूरब से आइए तो बायां पड़ेगा और पश्चिम से आइए तो दहना पड़ेगा। तो राजगीर रोड ना है, दहने में दहना, राजगीर रोड से दहना और गिरियक तरफ से बायां। ओके, तो यानी राजगीर रोड से आप आ रहे हैं, बाबा जी बोल रहे हैं हाँ। तो आपको आना है राइट साइड में, और अगर गिरियक रोड से आ रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड में आना हाँ। है दायां बायां उसको हिंदी में बोला जाता है। तो ऐसे आपका नाम? हमारा नाम हुआ मुसाफिर दास। मुसाफिर दास, तो आप यहीं रहते हैं जी। और इसके बारे में, जगह के बारे में बताइए कि क्यों ये जगह लोग फेमस है, क्या फेमस? तो यही है सर कि जो रोगी आता है कुछ मांगने के लिए, कुछ कहने के लिए इनसे, तो यहाँ पूरा चरण होके जाए। दूसरे बात, फिर जो आता है इच्छा पूरा हो जाने के बाद फिर बाबा से दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, हर कुछ करते हैं, जो भी अपना मन से चाहे, जो अपने इच्छे से करते हैं, जो जो करना है, जो भी करना है, खर्च करना देते हैं भगवान, पूरा करते हैं बिल्कुल। तो ये जो इतना अभी ये जो दिख रहा है, ये सब आप लोग खुद किए हैं या कोई सहायता करते हैं? ये तो ये सब गांव वाले सब सहायता किए, जितने आसपास जैसे आप जैसे बड़े आदमी हैं, आप 10 बीघा 20 बीघा जोतने वाले हैं या कोई नौकरी वाले हैं, तो वो आदमी आकर के उनका दस अथी हुआ कि सरदाम इसको छरवा दें या कुछ हुआ तो मंदिर बनवा दें, यही होता है।
तू अपना इच्छा के अनुसार जिनको पैसा भगवान दिए है वो अपना काम यहाँ करते हैं, इच्छा और अपने शक्ति के हिसाब से लोग काम करते हैं। कोई आदमी देखिए वहाँ पानी वाला टंकी चढ़ाया, एक आदमी देखिए यहाँ गिरिय के प्रमुख साहब हैं वो पानी चढ़वाए हैं, मोटर लगवाए हैं पीने के लिए बहुत अच्छा बात। और एक आदमी आया ये जो रोड पर देखा आप जो चढ़े हैं सीढ़ी से जी, वो सब आदमी को जिसको इच्छा पूरा होता है वो एक सीढ़ी दूसरी बनवा देते हैं। काफी अच्छा लगा बात करके जी, और हमको भी ये जगह पता नहीं था, अभी तक इंटरनेट पे जी यूट्यूब के दुनिया में अभी तक कोई इस जगह को नहीं दिखाया, नहीं। और मेरा वादा है कि सबसे पहले हम बहुत जगह पता नहीं है कि कहाँ पर है। यहाँ से आप चले जाइए गया, एक दो पद तो यहाँ चरण पद का है, एक वहाँ है वहाँ बती में पहाड़ पे जो गुरपा है ऊपर, हाँ वहाँ जी गए हैं, वहाँ गया। गुरपा बेसिकली ये बात कर रहे हैं गुरपा सीरीज का, अगर आपको नहीं पता हुआ तो मैं नीचे लिंक डाल देता हूँ, आप गुरपा के बारे में देख लीजिए। जो विष्णु भगवान का यहाँ एक चरण स्पर्श डाला गया वही गुरपा गया जिला में भी एक चरण स्पर्श है विष्णु भगवान का। फिर हम आगे अपडेट करते हैं। तो एक और अनडिस्कवर्ड जगह जो था बिहार का विष्णु धाम जो घोड़ा कटोरा में आता है उसका स्टोरी यही था। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी चलते हैं दूसरे लोकेशन पे, वहाँ पे आपको बताते हैं इसके बारे में। तो दिस वाज द लास्ट स्टेयर, स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। आगे चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन पे, एक और अनडिस्कवर्ड प्लेस ऑफ बिहार। स्टे ट्यून। भाई साहब ये चीज़ कोई नहीं दिखाएगा आपको, नो मीडिया, कोई भी ब्लॉगर आपको नहीं दिखाएगा। तो आइए और देखिए ये बिहार। तो मेरे पीछे ये जो है टेंपल के बाद है खूबसूरत सा डैम, ये भी अनडिस्कवर्ड है, अभी तक आपने यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। तो होपफुली हमारे पास जो हमारी परी है वो आपको दिखाती है इसका व्यू। तो इसका व्यू देखिए, मिलते हैं कार में और वहाँ पे कुछ डिटेल बात करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सी यू सून। इतना गर्मी है ना बाहर कि लिटरली लग रही है, लग पड़ी है। पहाड़ों में भी इतनी गर्मी पहली बार देखें, साउथ इंडिया में तो होता नहीं है पहाड़ों में गर्मी। और अभी मेन जो इस वीडियो का मेन पार्ट है, स्टे ट्यून, मनियार मठ जा रहे हैं, द अनडिस्कवर्ड अनसीन मठ ऑफ बिहार विच इज इन राजगीर। तो रोड का नज़ारा देखिए, पहाड़ों का देखिए, मिलते हैं मठ के पास।